ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद भी टीचर्स ये नहीं सिखाते बच्चों को कि सोचना कैसे है, या सोच को बदला कैसे जाता है, ये नए नए आइडियाज़ आते कैसे हैं। आप लोगों को ये तो बता दिया जाता है कि ये काम ऐसे करने से ऐसा होगा और ऐसा करना होगा, ये सॉफ्टवेयर सीखने से ये करेंगे और इस सॉफ्टवेयर सीखने से ये होगा, मगर कोई ये टीचर आपको नहीं गाइड करता सही तरीके से कि आप इस दिमाग को कंट्रोल कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, आप आए के नए नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करेंगे। यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आपको बनाता रहूँगा कि आप सोचेंगे किस तरह से और उस सोच को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान मैक इनोवेशन से, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है, सोच को कैसे बदलेंगे, नए नए आइडियाज कैसे आएंगे, कैसे जनरेट करेंगे नए आइडियाज़ और आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। बेसिकली क्रिएटिविटी काम यानी तख्लीकी काम होते किस तरह से हैं, जैसे एक मुसव्विर का काम हो गया यानी पेंटर, ठीक है, शायर का काम हो गया कि वो सोचता है और शेर लिखता है, इसी तरह अब डिजिटल का दौर है, हम डिजिटल के दौर में, तो यहाँ पे जो हम डिजिटल डिज़ाइन बनाते हैं वो किस तरह से बनाएंगे, तो सोशल मीडिया के लिए हम स्टफ़ डिज़ाइन करेंगे वो कैसे क्रिएटिव होगा और उसके लिए हमारे पास आइडियाज़ कैसे आएंगे। इसके लिए सबसे बेसिक जो नीड है सबसे पहले वो कैथारसिस है। अब आप पूछेंगे कैथारसिस क्या होता है, कि कौन सा लफ्ज़ है, कहाँ से आया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कैथारसिस का लफ्ज़ सुना हो, बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने सुना हो कि कैथारसिस क्या होता है, या शायद कभी किसी किताब में पढ़ा हो या सुना हो, नहीं भी सुना तो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस चीज़ का डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैथारसिस आज से 3000 साल पहले अरस्तु ने कैथारसिस की इस्तलाह पेश की थी, जो अफलातून यानी प्लेटो का शागिर्द था। खैर किसी ने अरस्तु को डिस्कस करेंगे वो डिटेल में, लेकिन अभी मेरा टॉपिक है अरस्तु ने कैथारसिस की इस्तलाह पेश की थी और कैथारसिस होती क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। उस दौर में भी शायरी होती थी और शायरी के ऊपर ड्रामे परफॉर्म होते थे, तो वही कहता था कि जब बंदा देखने वाला ड्रामे को देखता है तो उस रोल में खो जाता है, उस रोल में इतना खो जाता है और सोच की उस मेराज पे चला जाता है कि वो समझता है कि वो जो हीरो है वो खुद है, यानी जब वो उस ड्रामे को देखे ड्रामा एंड होता है तो उस ड्रामे से निकल कर जब वापस अपनी असल दुनिया में वापस आता है तो उसकी सोच में काफ़ी बेहतरी तब्दीली आ चुकी होती है, रिफ्रेश होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको आम मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, दिमाग डिस्टर्ब हो गया और आपका काम सोचने का है, सोचना है सोच के कोई आइडिया जनरेट कर और नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि आप बीच में ब्रेक ले लें। आपको क्या अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है कि यार आप नमाज पढ़ना, आप नमाज पढ़ लें, अल्लाह से रुजू करें, कैथारसिस, दिमाग को बदलें, सोच को बदलें, अपनी सोच को मेराज में वहां ले जाएं जहां आप अपने आपको देखना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, नहीं पता क्या करना है, कार्टून देखते हैं, कोई कार्टून देख लें 10 मिनट 5 मिनट के लिए, दिमाग को, क्यों वो दिमाग उस सोच में वहां ले जाएगा कि आप अपने आपको उस करेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व करते हैं, वो समझते हैं कि वो करेक्टर आपके साथ प्ले कर रहा है, जबकि वो फिजिकली आपके साथ प्ले नहीं कर रहा होता, लेकिन सोच आपकी ये होती है कि वो फिजिकली आपके साथ प्ले कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है कोई बुक पढ़ना तो आप बीच में वो काम छोड़ें, थोड़ी देर 2-4-5 मिनट 10 मिनट आप वो किताब पढ़ लें। अगर आपको अच्छा लगता है कि यार मैं पार्क में चला जाता हूँ, थोड़ा जॉगिंग कर लेता हूँ या वॉक कर लेता हूँ, ये भी अच्छा, क्योंकि दिमाग आप क्यों वो आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो काम वो करें, उसमें खो जाएं। जब उसमें आप खो जाएंगे और जब सोच उसकी मिराज पे जाएगी और जब वापस आएगी तो दिमाग आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ये कैथारसिस किस तरह है जो आज से 3000 पहले अरस्तु ने पेश की थी, तायद करता हूँ कि बिल्कुल सही है। अक्सर मैं सोचता हूँ, अक्सर मेरे पास क्या होता है जब मैं डिज़ाइन बनाने बैठता हूँ तो अक्सर मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, तो बीच में 5-10 मिनट ब्रेक लगा लेता हूँ। मैं अक्सर पतरस बुखारी चादर हसन मंटू के जो कलाम जिया साहब पढ़ते हैं मैं वो सुन लेता हूँ, मोइन अख्तर अनवर मकसूद के लूज टॉप शोज हैं वो सुन लेता हूँ, कुछ और हमारे अदीब हैं उनकी बातें सुन लेता हूँ, कुछ तर्ज़ो मज़ाक का कोई प्रोग्राम 5 मिनट 10 मिनट के लिए देख लेता हूँ, उससे दिमाग फ्रेश हो जाता है। बीच में नमाज ब्रेक होता है, आप नमाज पढ़ लें, चीज़ें कर लें, दिमाग उस जगह लेके जाए, उस सोच को लेके जाए जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, उस वो काम करें जिससे आपको ज़्यादा खुशी होती है, कि जब इस सोच की मेराज पर आप जाते हैं और जब वापस आते हैं दिमाग की तमाम जो ऐसी सोच होती है, जो नेगेटिव सोच होती है, वो ख़त्म हो जाती है और आप वापस कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने काम की तरफ और इससे फिर आइडिया जनरेट होता है। ये पहला मेरा स्टेप है आपको थिंकिंग प्रोसेस समझाने का कि सोचते कैसे, और ऐसे मैंने कई ऐसी वीडियोज़ बना के देनी है, इंशाल्लाह आप मेरी तमाम वीडियोज़ देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, सोचते कैसे हैं, आइडिया कैसे होते हैं, इंस्पिरेशन कैसे ली जाती है, नई चीज़ कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो है अपना दिमाग कंट्रोल करना सीखें, काम करना है, सोच है मगर कर नहीं पा रहे, खौफ आ रहा है, डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि यार हमने अपने आप को उस काम के लिए तैयार ही नहीं किया, जो सबसे बड़ी गलती है। अपनी सोच को बदलें, सोच को बदलने के लिए आपको खुद होना चाहिए कि मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूँगा, आपका नफ्स आपका दिमाग आपको कंट्रोल ना करें, आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करें। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाना हाथ उठाया पन्ने वाला लेकर, इसी तरह दिमाग में जो
एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, अब वो शैतान की तरफ वसवसा आ रहा है या नफ्स की तरफ से आ रहा है, लीव इट, उसे छोड़ दें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने काम के ऊपर, चीज़ों पर, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते बेहतर बेहतर से बेहतर बेहतर होते रहेंगे। तो कैथारसिस करना सीखें, माइंड को रिफ्रेश करना, चीज़ें वो काम करें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, 5-10 मिनट के लिए वापस फिर अपने काम पे आ जाएं, कॉन्सेंट्रेट करें और काम शुरू करें। और मजीद मैं आपको आगे मुश्किल स्ट्रेस बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आप समझ जाएंगे कि सोचते कैसे। तो सोच बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर तो सब पढ़ा देते हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, लेकिन सोचते कैसे ये कोई नहीं पढ़ाता। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम वीडियोज़ में आने वाली ये चीज़ें पढ़ाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।